नमस्कार सभी लोगों को जो अभी जुड़ चुके हैं। लखनऊ मैनेजमेंट की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी किसान लोग हमारे साथ भाई जुड़े हैं वो बाकी लोगों से भी लिंक शेयर करके और उनसे बोले कि जल्द से जल्द वो ज्वाइन करें, सो दैट कि हम अपना टाइम से स्टार्ट कर सके, क्योंकि स्पीकर्स भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो भी ऑनलाइन आ जाए। नमस्कार मैम। नमस्कार मधुका जी, नमस्कार मैम, जो लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ था 16 तारीख को, जी। उसमें एक बातचीत हुई थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें जितने भी एफपीओज ने उस समय ज्वाइन किया था वो सब लोग ज्वाइन करेंगे। तो वो ग्रुप बना क्या? ओके, एक्चुअली वो लास्ट वो ग्रुप बन गया है एंड उसमें शायद आप अभी ऐड नहीं हो पाए हैं, बिकॉज एट दैट टाइम आई एम ऑन लीव, तो मैं अभी आपको ज्वाइन कर देती हूँ। सिद्धार्थ, आई थिंक वो ग्रुप बन गया है ना, मैंने किस वो एक्चुअली सेशन के बाद मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया था। वो ये कह रहे थे कि जो वो ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर जो आने वाले सेशन है उनकी भी जानकारी भेजिएगा जिससे कि हम लोग वो सेशन भी ज्वाइन कर सकें। थैंक बिल्कुल नहीं, ग्रुप आपका बन चुका है, मैं आपको उसमें ऐड कर दे रही हूँ। सो वेट, यू। जी शिव प्रकाश यादव जी आज मुझे सुन पा रहे? मैम। सर बाकी लोगों को भी बोलिए थोड़ा जुड़ जाए जल्द से जल्द, ताकि हम टाइमली स्टार्ट करने कार्यशाला को। ओके मैम, मैम इस ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दीजिए, ये वाला नंबर। आप अपना नंबर इस पे जरा चैट बॉक्स में अपने एफपीओ का नाम और नंबर शेयर कर दीजिए। ओके तो मधुकर जी मैंने आपको ऐड कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए, दैट इज LMA वैदिक सृजन के नाम से होगा, जी मैम, दिखाई दे रहा है मुझे। है ना। उसमें वो ऑलरेडी 19 पीपल वर देयर, 20 एंड विल ऐड शेखर जी आल्सो, ना उनको भी ऐड कर देते हैं मैम, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया चैट बॉक्स। जी। बिल्कुल, अभी आपको उसमें व्हाट्सएप आफ्टर द ये मतलब कार्यशाला जैसे ही खत्म होगी, समाप्त होगी, तो आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। बाकी भी जो लोग जुड़े हुए हैं आज की कार्यशाला में, वो भी चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एफपीओ का नाम जरूर शेयर कर दें, कि जो कि व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसके माध्यम से जो भी आगे आपके कोई भी प्रश्न होंगे आज के विषय से संबंधित या मधुकर जी से, तो आप चैट व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं उनसे। मधुकर जी 5-10 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली वही रहता है कि 3 बजे तक लोग ज्वाइन करते हैं 2:30 बजे बोल के, तो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स मोर। ठीक है मैम, परफेक्ट। अच्छा चलो, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है आज का जो विषय है वो कि पानी से कैसे कृषि प्रभावित होती है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या इसमें आपको आज बताया जाएगा? आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं और आज के विषय से संबंधित आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक दो प्रश्न हम पहले ले लेते हैं, तो वो मधुकर जी को भी जो आज के स्पीकर हैं उनको भी थोड़ा आसानी रहेगी, वो उस चीज को उसमें कवर कर लेंगे। मंजू जी आप कुछ बताना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, आप कहाँ से जुड़ी हैं आज, आपका एफपीओ है, किस चीज का एफपीओ है? नहीं, जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं, मैं आज के जो हमारे साथ स्पीकर हैं मिस्टर मधुकर स्वयंभू जी, इनका थोड़ा परिचय मैं आप सभी लोगों से करा दूं जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान भाई। तो मधुकर स्वयंभू जी एक आईटी संचार नेटवर्क में इन्होंने काफी लंबे टाइम तक काम किया है, इन्होंने काफी रिसर्च करी है, और काफी इन्होंने पब्लिकेशंस भी की हैं, ये एक टेडेक्स वक्ता भी रहे हैं, काफी सर ने मतलब पानी के ऊपर काफी इन्होंने काम किया हुआ है। स्मार्ट वाटर मैगजीन जो एक स्पेन की मैगजीन है उसमें भी इनका एक आर्टिकल निकला है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की प्रतिनिधित्व करते हैं मधुकर जी। जो मेन आज का जो हमारा विषय है उससे संबंधित हम देख बता दें कि उनका क्या क्या, इन्होंने एक वैदिक विज्ञान के दौरान दुनिया में एक नए आयाम की खोज की है, इन ये एक वैदिक सृजन करके एक कंपनी है, फाउंडर है उसके, जिन्हों जो कि आयुर्वेद के माध्यम से कि कैसे हम आयुर्वेद के थ्रू अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, किस किस चीजों का इस्तेमाल करके बिना किसी पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के यूज करके हम उसी को रिजुवेनेट कर सकते हैं। बाकी सर बहुत अच्छे से मधुकर जी हमारे हमें बताएंगे इसके संबंधित, क्योंकि ये खुद इसमें एक्सपर्ट हैं, तो ये अपने आप ही बताएंगे, तो हमें ज्यादा
आप लोगों को भी समझ में आएगा। और जैसे मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि उन्होंने काफी, जहां तक मुझे याद, आपने शायद बुलंदशहर में कुछ पानी पे कार्य किया है जिसमें आपको सम्मान भी किया गया था, और कुछ आपका कैलकटा या चेन्नई आई थिंक, बट मैं अगर गलत ना हूँ, वहां पे भी आपने काफी कार्य किया था, जो तालाब को, जो पानी को रिजुनरेट करने का आपने उसमें काम किया। तो बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मधुकर जी कि आप अपने बारे में खुद ही बताइए, आपकी जो वैदिक सृजन आपने जो फाउंडर किया है बाकी और लोगों के साथ मिलके, तो उससे संबंधित भी थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपको ये ध्यान आया कि वैदिक साइंस बहुत पुराना है और आप आज लेके आए हैं इतने टाइम से, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टार्ट करें। जी बिल्कुल मैम, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूं? यस यस प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप में एक वैसा टॉपिक है कि हम लोग सुनते थे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या विदाउट केमिकल हम खेती को कैसे कर सकते हैं, पर पानी से कृषि पे क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कृषि में तो पानी का यूज है, और बिना पानी के कृषि पर उससे लागत कैसे कम होगी, तो वो एक थोड़ा अपने आप में ही अनोखा, सुनने में भी और बताने में भी बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज बताइए। मैम, ये अभी हमारे अगर सभी किसान भाई अगर जुड़ गए हैं तो फिर मैं शुरू करूँ, आपकी इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा लेट लोग जुड़ते हैं, एंड आते आते वो बीच में नंबर्स अच्छा खासा हो जाता है, सो दैट आप स्टार्ट करिए, बिकॉज 2:30 टाइम, इट्स ऑलरेडी 2:45 हो गया है। तो सो बेसिकली ये खेती के ऊपर जो रिसर्च करने का जो कारण था वो सिर्फ इतना सा था, मतलब हमारा जो मूल रिसर्च था वो खेती के ऊपर नहीं था, वो पर्यावरण के ऊपर था, मिट्टी पानी और हवा के ऊपर। और इंसिडेंटली मिट्टी पानी और हवा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खेती बाड़ी के लिए भी। जब हमारा इंटरेक्शन जब कृषि विश्वविद्यालयों से होना स्टार्ट हुआ, जब हमने किसानों और FPO से बात करनी स्टार्ट की, तो हमें कुछ गैप्स नज़र आए। जैसे कृषि विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जाता है कि, और कृषि विज्ञान केंद्र भी ये कहते हैं कि भाई हर उपज के साथ जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो जाती है। अब ये कृषि विज्ञान के हिसाब से शायद उनको ठीक लगता होगा, लेकिन अगर आप इतिहास के बारे में अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको ये पता लगेगा कि अभी साइंस, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ओशनोग्राफी, जीनियोलॉजी, ये सब अलग अलग दृष्टिकोण से हर जगह ये स्थापित हुआ है कि खेती बाड़ी की जो इजाद है, आविष्कार जो है खेती करने का, वो भारत में हुआ। और हमारे पास इस बात के तथ्य हैं, प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं कि पिछले 25,000 साल से हम लगातार, जो जिसको हम बोलते हैं जम्बू द्वीप और भारतवर्ष जिसको हम कहते हैं, जो अखंड भारत कह लीजिए, जिसके अंदर आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सभी देश आते हैं, इस भूभाग के ऊपर जो इंडियन पेनिनसुला इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं, उसके ऊपर हम लोग पिछले 25,000 साल से रह रहे हैं और पिछले 25,000 साल से खेती कर रहे हैं। अब अंग्रेज जहाँ से आए हैं वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, तो वहां पे तो 6 महीने बर्फ पड़ी रहती, तो वहां साल में एक ही फसल ली जाती है और उसी फसल से आपको साल भर गुजारा करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कृषि की पद्धति है उसमें हम हर साल कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 फसल ले लेते हैं। तो यदि हर फसल से मिट्टी की उर्वरता कम होती है तो 25,000 साल में तो ये पूरी जमीन बंजर हो जानी चाहिए थी, इसमें कोई बिल्कुल उर्वरता बाकी नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे खेती करते जा रहे हैं, करते जा। और ये जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है, जो आधुनिक कृषि जिसको हम कहते हैं, जो कि मैकेनाइज्ड है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, ये तो 1963 से पहले भारत में कोई जानता ही नहीं था। 63 में ही वो स्वामीनाथन जी गए थे अमेरिका और वहां से सीख के आए थे। तो इतने हजारों सालों से हम यदि लगातार खेती करते आ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा सीधा और सिंपल है कि हमने ऐसी कोई ना कोई विधि इजाद कर ली थी
जिससे कि हम फसल दर फसल उपज लेते जा रहे हैं, एक साल में तीन तीन चार चार उपज ले रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता कम नहीं हो रही है। तो वो हमारी पद्धति क्या थी, यहाँ से हमारी खेती के ऊपर रिसर्च चालू हुई कि हम ऐसा क्या करते थे कि आजकल जो भी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है और कृषि विज्ञान केंद्र में बताया जाता है और भंवर के यूरिया और फास्फेट डालते जो कि 1963 से पहले कहीं भी नहीं डलता था, तो ये समस्याएं क्यों थीं और इनका हमने क्या निराकरण किया हुआ था, वो सब जानने के लिए हमने ये VVO V2249, सर आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो आपके यहाँ से आवाज की डिस्टरबेंस नहीं। सो द बेसिक पॉइंट इज के जो हमारी जो पूरी रिसर्च थी वो इसी बात से स्टार्ट हुई कि हम लोग ऐसा क्या करते थे कि हमारी हर साल तीन चार हम फसल भी ले लेते थे और मिट्टी की उर्वरता भी कम नहीं होती। फिर हमने कुछ बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की जो कि नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक रूप से होता ही है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने भी ये चीजें देखी होंगी, ऑब्जर्वेशन में ली होंगी, वो प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट करते हैं उसी के ऊपर आज की चर्चा है कि जल प्रबंधन से कृषि में क्या सुधार आ सकता है या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो जो जैसा हम लोगों की मानसिकता है, हम भारत में सब लोग कहानियों में बड़ा विश्वास करते हैं और सच्ची कहानियों में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो हमें उसमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कहीं हुआ है तो बताओ। तो इसीलिए जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हुआ है और क्या हुआ है और कैसे हुआ है, उसी का हम विश्लेषण करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जल प्रबंधन से खेती बाड़ी में क्या फायदा हो सकता है जो कि लगातार होता रहे और किसानों की जो उपज है वो भी बढ़े और जो मुनाफा है वो भी बढ़े और जो जो खेती बाड़ी को लेकर जो पूरे विश्व में जो समस्याएं हैं खेती बाड़ी के सेक्टर में वो कुछ मोर और लेस सिमिलर हैं सब जगह पे। भाई आप अब अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो आपको पता होगा कि फ्रांस में भी किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और बेल्जियम में भी कर रहे हैं, तो यूरोप में भी कर रहे हैं, US में भी कर रहे हैं। तो कुछ मुद्दे हैं जो सब जगह कॉमन हैं और उन मुद्दों का निराकरण हम भारत में कैसे कर सकते हैं उनको हम लोग एड्रेस करेंगे। तो मैम आपकी इजाजत हो तो शुरू करें या शुड वी बी वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन इन? नो सर, प्लीज स्टार्ट द सेशन बिकॉज ऑलरेडी पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, सो जो भी ज्वाइन करेंगे तो दे कैन लिसन लेटर ऑन, दे परफेक्ट कैन ज्वाइन। परफेक्ट। तो मैडम की इजाजत मिल गई है तो अब हम शुरू करते हैं और जैसा मैंने कहा कि हम कहानी से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है टमाटर के पौधों की और हुआ कुछ यूं था, ये कोई 2018 की घटना है, महीना जनवरी का, मेरे ख्याल से 29 या 30 जनवरी के आसपास की बात होगी 2018 में। एक 3 एकड़ का खेत होगा जिसके अंदर टमाटर की फसल लगनी थी और जो टमाटर की पौध थी वो आके रखी हुई थी और जो खेत के जो मालिक साहब थे वो उस समय उपलब्ध नहीं थे, किन्हीं कारणों से उनको कोई खानदानी शादी वादी में कहीं जाना पड़ा, तो जो पौध आई थी उसको जो वहाँ काम करने वाले श्रमिक लोग थे उन्होंने उसको ग्रीन हाउस गैस में रख दिया। जो ग्रीन हाउस जो होता है वहाँ पे क्योंकि गैस का उत्सर्जन बहुत होता है इसलिए ग्रीन हाउस में यदि पौध रख दी जाए तो 24 से 48 घंटे में उसके ऊपर काफी कुप्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वहाँ ग्रीन हाउस में अलग प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। तो जब पौध को ग्रीन हाउस में रख दिया गया तो उसका असर ये पड़ा कि वो सारी पौध जो है वो खिंच गई और वो फिर जो लगाई गई तो रूट शूट रेशियो जो है मतलब जड़ और तना और पत्तियां उनका जो रेशियो है वो बिगड़ गया, उसकी वजह से जो पौधे हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब ज्यादा खिंच गए थे तो ज्यादा लंबे हो गए थे, पतले हो गए थे। दो तीन पत्तियां ही तो होती हैं पौध में जो नर्सरी से आती, तो जब उनको लगाया गया तो उनकी कंडीशन ये थी
उनको भी, लगाने वालों को भी और खेत के मालिक को भी पूरा पूरा ये भरोसा था कि ये बचेंगे तो हैं, ये तो मर जाएंगे। तो इसीलिए एक नई खेप भी मंगा ली गई कि जो जो मरते जाएंगे उनको उखाड़ के ये लगाते जाएंगे। खेत बाकायदा उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था, मल्चिंग वगैरह उन्होंने की हुई थी। अब क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत अच्छी खासी कॉस्ट होती, तो इसीलिए उनका ये कहना था कि भाई कोई इलाज है क्या। तो हमने उनको बताया कि भाई इलाज है, जो आपका तालाब का जो पानी है उसको आप सुबह सूर्योदय के समय पे छिड़काव करें इन सभी पौधों पे और देखिए कि क्या असर पड़ता है। तो जिस दिन पौध लगी उसी दिन से उन्होंने छिड़काव चालू किया और 3 दिन के अंदर जो पूरी की पूरी जो पौध जो खिंच गई थी वो वापस से सुदृढ़ हो गई और स्ट्रांग खड़ी हो गई। टमाटर की यदि आपने खेती की हो तो आपको मालूम होगा कि पहले जो पत्तियां निकलती हैं वो बिल्कुल सुई के आकार की होती है और वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो वो अपना जो ट्रू लीव्स जिसको बोलते हैं, जो जो उनके पत्तियों का जो सही आकार होता है वो धीरे धीरे आता है। तो उसी प्रकार से ये शुरू हुआ और जो तना है वो धीरे धीरे मोटा होता गया। मतलब इसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फर्टिलाइजर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ तालाब के पानी का छिड़काव किया गया और 3 दिन के अंदर में जो खिंच गई थी पौध वो वापस से अपने कंडीशन में आ गई और उनको बदलना नहीं पड़ा। मतलब जीरो मोर्टैलिटी थी जो यूजुअली जो पौधे मर जाते हैं लगाने के बाद, क्योंकि ये बात है छत्तीसगढ़ की। और जनवरी खत्म होते होते 2018 में वहां पे करीबन 32-33 डिग्री का तापमान हो गया था। तो जो कोमल पौधे हैं उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है उतनी हीट में, लेकिन जिस पद्धति से वहाँ खेती हो रही थी वो सब के सब पौधे, पूरे 3 एकड़ में जितने भी टमाटर की पौध लगे थी सब के सब सर्वाइव कर गए और जीरो मोर्टैलिटी हुई। और करीबन 3 एकड़ में ये पौध लगी हुई थी। अब आप वीडियो में जैसा देखेंगे कि धीरे धीरे वो स्ट्रांग विंड्स के बाद भी पौध जो है वो एकदम सुदृढ़ खड़ी है और जैसे मैंने आपको बताया 32 डिग्री का टेम्परेचर था और स्वस्थ हो गए सभी पौधे इतनी हीट के बावजूद, इतनी डायरेक्ट सनलाइट के बावजूद, और निरंतर जो उनका ग्रोथ था वो होता गया। करीबन 1 महीने के अंदर में इन्होंने सभी पौध जो है वो करीबन 2 फुट की हाइट उन्होंने अटेंड कर ली और बिना किसी सहारे के, किसी सहारे के जो जो डंडा वंडा बांधते हैं लोग वो उसकी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ये जो लीफ कर्ल डिजीज है या लीफ रोल डिजीज है ये बहुत ज्यादा होती है और ये जो पत्ते में जो छेद बन जाते हैं लीफ स्पॉट डिजीज और जो लीफ माइनर का जो कीड़ा होता है ये बहुत ही कॉमन है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। लेकिन किसी भी पौधे में इसमें से कोई भी बीमारी नहीं आई, कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं हुआ और आप देख सकते हैं कि 30 दिन के अंदर में करीबन 2 फुट की हाइट इन्होंने अटेन कर ली। और चौथे हफ्ते में जो फ्लावरिंग है, जो बर्ड्स आने शुरू होते वो तीसरे चौथे में हफ्ते में चालू हो गए और आपका जो फ्रूटिंग का जो टाइम पीरियड है वो भी घट गया और ज़्यादा समय तक फ्रूटिंग भी हुई। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये हुई कि जो टमाटर की जो फसल होती है वो तोड़ने के बाद फिर आर्म ट्विस्टिंग होती है, क्योंकि तोड़ने के बाद आपके पास सिर्फ 3 दिन होते हैं फसल को बेचने के लिए। लेकिन वो भी समस्या यहाँ पे नहीं आई, अच्छी खासी फसल हुई और अच्छी खासी उन्होंने माल बेचा भी। और सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे मंडी में जाने के बाद जो आढ़ती जो आम ट्विस्टिंग करते हैं कि भाई मालूम है टमाटर लेके आया है तो 2 दिन में तो बेचना ही पड़ेगा, तीसरे दिन तो वो गल ही जाएगा, तो वो आम ट्विस्टिंग भी नहीं हुई क्योंकि जो तोड़ी हुई जो टमाटर की फसल थी उसकी भी जो लॉन्जिविटी थी, जो सर्वाइवेबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट 10-15 दिन तक चलता रहा। तो अब इस केस में ये हुआ कैसे, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ उसको जरा समझ लें। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी को पौधरोपण किया गया, जो कि पौध जो आई थी वो
3 दिन तक ग्रीन हाउस में थी, जिसकी वजह से वो खिंच गई थी। तालाब के पानी का छिड़काव किया गया सुबह आपका सूर्योदय के समय पे, और जो तालाब था वो हमने ट्रीट किया हुआ था। हमारी जो कार्नोमिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम तालाब को मेंटेन करते थे, तो जो पानी था वो बहुत ही शोधित पानी था, बहुत ही एकदम प्राकृतिक अवस्था में था वो पानी। और उस पानी के छिड़काव की वजह से जो पौधों की जो रोग गतिरोधक क्षमता है वो सुदृढ़ हुई, उसकी वजह से पूरी क्रॉप साइकिल में आपको किसी भी कीटनाशक का या जंतुनाशक का या वीडिसाइड का, खरपतवार नाशक का, किसी भी चीज का आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो लागत थी खेती में वो सब्सटैंशियली कम हो गई, क्योंकि आपको किसी भी चीज पे जो नॉर्मल खर्चा होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजर, जब आपका खेत प्रिपेयर किया गया था उस समय भी कोई एनपीके नहीं डाला गया, कोई गोबर की खाद नहीं डाली, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में खेत था। सिर्फ उन्होंने मल्चिंग जो है, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक मल्चिंग के ऊपर कोई सब्सिडी चल रही थी उस समय, आज की डेट में पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही, तो वो प्लास्टिक मल्चिंग उन्होंने वो सब्सिडी पे सरकार से ली थी और उसको डिप्लॉय किया था। और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर उनको सब्सिडी मिली थी तो वो उन्होंने डिप्लॉय किया था, बाकी और कुछ नहीं। 3 एकड़ का खेत था, पूरे में टमाटर लगाए गए थे, 1 महीने में पौधे 2 फीट के हो चुके थे, 32 डिग्री का तापमान था, चौथे हफ्ते में फूल आने शुरू हो गए थे, 5वें हफ्ते में फल आने शुरू हो गए थे, और 42वें दिन में पहली फसल तैयार थी। आमतौर पे 75 से 90 दिन लगते हैं टमाटर की फसल में तैयार होने में, लेकिन यहाँ 42वें दिन से पहली फसल तैयार थी, और 114वें दिन तक तुड़ाई की गई, जो कि आमतौर पे 60 दिन तक ही होती, यानी कि पूरे ऑलमोस्ट 12-13 दिन एक्स्ट्रा आपको तुड़ाई के मिले। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आड़ती जो होते हैं वो आम ट्विस्टिंग करते हैं कि ये 3 दिन में तो टमाटर सड़ जाए, तो वो 15 दिन तक टमाटर ताजे बने हुए थे, तो मतलब जो बिचौलिए जो आम ट्विस्टिंग करते हैं वो भी नहीं हुआ, और उन्होंने अच्छे रेट के ऊपर अपनी टमाटर बेची और अच्छा खासा उनको मुनाफा हुआ। नॉर्मली वो टमाटर की पौध पे जो उनको बेनिफिट होता है उसके कंपैरिजन में उनको ऑलमोस्ट 4 गुना फायदा मिला। तो अभी ये जो खेती बाड़ी में जो हमारी मूल चिंताएं जिनकी मैं बात कर रहा था, कि यूरोप में भी वही समस्या है, आपका यूएस में भी वही समस्या है, सब ये ऐसा नहीं है कि जो खेती बाड़ी की समस्याएं हैं वो हमारे भारत में कुछ अनूठी हैं, वो सब जगह वही समस्याएं हैं, बिकॉज सब जगह खेती करने की पद्धति वही है जो अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया कि भाई हमको मैकेनाइज फार्मिंग करनी पड़ेगी, हमको ट्रैक्टर चाहिए, हमको फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, वीडिसाइड चाहिए, हार्मोन चाहिए, राइट। अब ये सारी चीजें लगाने की वजह से जो खेती की जो मूल लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से जो मूल समस्याएं हैं वो है उर्वरक, हमको यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, फास्फेट चाहिए, सब सरकार का काम ही है इनके ऊपर सब्सिडी देना, तो वो जो फार्म सब्सिडीज हैं वो कोई 12,500 करोड़ के आसपास की तो सब्सिडी सब्सिडी है, लेकिन हमारी इस अभी जो हमने टमाटर की खेती की जो किस्सा जो हमने देखा उसके अंदर कोई उर्वरक नहीं चाहिए, किसी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया गया, फसलों की बीमारियां, अब बीमारियों पे बीमारियां आती जाती हैं, कीट पे कीट आते जाते हैं, और ये जो अमेरिकन पद्धति है जिससे हम लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें हम ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिज्म एक दवाई बनाते, मतलब एक पेस्ट के लिए एक दवाई है, दूसरे पेस्ट के लिए दूसरी दवाई है, एक बैक्टीरिया के लिए एक अलग दवाई है जंतुनाशक, दूसरे बैक्टीरिया के लिए अलग दवाई है, फंगस के लिए अलग दवाई है, हर दवाई में हम लागत बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको टमाटर की बीमारियां बताई कि लीफ कर्ल एक बीमारी, या पत्तों में छेद हो जाना लीफ माइनर एक बीमारी है, तो ये हर बीमारी के लिए एक अलग आपको दवाई चाहिए और हर दवाई की एक अलग कॉस्ट है, राइट। तो अभी जैसे पैंडेमिक के दौरान आपने देखा कि भारत में जो बाकी जो सो कॉल्ड विकसित देश हैं उनके कंपैरिजन में भारत में बहुत कम नुकसान हुआ, उसका कारण क्या था, दवाई तो किसी के पास भी नहीं थी, वैक्सीन तो कहीं भी नहीं बनी थी, किसी को नहीं पता था कि इसका इलाज कैसे करना है, फिर भी अगर आप जनसंख्या के अनुपात में मोर्टैलिटी रेट देखें तो भारत का सबसे कम रहा, कारण उसका क्या,
रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हमें अपनी फसलों को तगड़ा बनाना है तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, ना कि ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिज्म हम दवाई का छिड़काव के ऊपर ध्यान। तो अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबल है तो रोग कोई भी हो हम उसको डिफेंड कर पाए। यही काम हमें अपने पशुओं के साथ भी करना है, यही काम हमें अपनी फसलों के साथ। और अगर हम ये कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तो हमारी लागत कम है, दूसरी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो अब फिर तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मौसम की मार, कि बारिश कम तो ना हो जाए, बारिश ज्यादा तो ना हो जाए, समय से पहले तो ना हो जाए, समय के बाद में ना हो जाए। हर केस में नुकसान तो हमारा ही है, बिकॉज फसल तो हमारी खड़ी है। तो उसके लिए भी जरूरी ये है कि जो फसल खड़ी है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ कर सकें उतना ज्यादा बेनिफिशियल है, खेतों के लिए भी, हमारे पशुओं के लिए भी, और हमारे खुद के लिए भी। और जो कंज्यूमर जो है, जो बाजार में उसको खरीद के खाने वाला है, उसके लिए भी बेनिफिट यही है कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। तो भाई जब सबका बेनिफिट केमिकल का इस्तेमाल कम करने में है तो इतना ज्यादा केमिकल हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि हमारी पद्धति ठीक नहीं है। तो अगर हम अपनी पद्धति को सुदृढ़ कर लें, अपनी अगर हम पद्धति को दुरुस्त कर लें, तो भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम बान। उस पर भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स पे चर्चा करेंगे। तो वैज्ञानिक आधार जो है वो है बारिश और जंगल, उसको यदि हम ध्यान से देखें तो सबसे स्वस्थ पेड़ पौधे हमको मिलते हैं जंगल में, राइट? और जंगल तो कोई लगा नहीं रहा है, जंगल तो प्राकृतिक है। और जंगल में अगर हम देखें तो जंगल में सिंचाई कैसे होती है? वहां तो कोई जाके पानी नहीं पटा रहा है। जंगल में सिंचाई के बस दो ही माध्यम है, पहला माध्यम है ओस और दूसरा माध्यम है बारिश। ओस कब होती है? उसका एक फिक्स टाइम है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 3:30-4 बजे के आसपास, जो हवा जब बहुत ठंडी हो जाती है तो जो हवा में जो नमी है वो ओस बन के नीचे गिर जाती है। अब गिरी कहाँ से? हवा से नीचे गिरी, यानी कि ऊपर से नीचे आया पानी, राइट? यानी कि पहले जड़ आएंगी, पहले पत्ते आएंगे, जाहिर सी बात है पत्तों पर ही हुई, ओस जो गिरी वो पत्तों पर ही गिरी। अब दूसरा जो माध्यम है वो है बारिश। बारिश का तो कोई समय नहीं, बारिश कभी भी हो सकती है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। लेकिन बारिश को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो बारिश एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले काले काले बादल छाएंगे, सनलाइट कट हो जाएगी, जो बहुत तेज रोशनी है उसके अंदर बारिश नहीं होती है, राइट? तो पहले बादल छाए, रोशनी कट हुई, उसके बाद थोड़ी हवाएं चलेंगी तो वो टेम्परेचर को मॉडरेट करेंगी और तब जाके बारिश स्टार्ट होगी, राइट? अब ये प्रोसेस हर दफे, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, बारिश ये प्रोसेस क्यों फॉलो करती है? इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? इसके पीछे का रहस्य सिर्फ ये है कि हर पत्ते के उल्टी साइड में, जो साइड आपको फेस कर रही है उसके उल्टी साइड में, हर पत्ते में होते हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम स्टोमाटा। ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, ये मतलब नॉर्मल नेकेड आई से नहीं दिखता है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये गार्ड सेल जो होते हैं ये जब अटेंशन में रहते हैं तो उस समय जो स्टोमाटा होता है वो क्लोज होता है और पत्ती कोई भी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब गार्ड सेल्स रिलैक्स होते हैं तो स्टोमाटा ओपन होता है और पत्तों के ऊपर जो भी पड़ा हो वो पत्ते एब्जॉर्ब कर ले। तो ये गार्ड सेल्स रिलैक्स कब होते हैं और अटेंशन में कब होते हैं? तो जब बहुत तेज रोशनी होती है या टेम्परेचर हाई या लो होता है, मतलब टेम्परेचर जो है मॉडरेट नहीं होगा, मतलब तापमान जो है वो सम नहीं होगा, विषम होगा, मतलब या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम होगा, उस कंडीशन में गार्ड सेल जो है वो अटेंशन में रहते हैं, यानी स्टोमाटा क्लोज रहता है, राइट? जब टेम्परेचर मॉडरेट हो और लाइट मध्यम हो, मतलब बहुत कम हो या न के बराबर हो, डिम लाइट में, तब गार्ड सेल्स रिलैक्स रहते हैं तो स्टोमाटा ओपन होता है। उस समय पे आप जो भी पत्तियों के ऊपर जो भी स्प्रे आएगा वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब। तो जंगल में जब बारिश होती है तो वो सारा का सारा पानी जो है वो पत्तियों से एब्जॉर्ब हो, और वर्षा का जो जल है वो सबसे प्राकृतिक रूप का शोधित जल है। उसके अंदर दो चीजें बेसिक होती हैं कि एक तो उसमें पूरी वेरी हाईली पोटेंट वाटर होता है, यानी कि उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है वो हाई रहता है, और दूसरा उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राणवायु, राइट? सो जीवन की जो पॉसिबिलिटी है वो पानी में
तब होती है जब प्राण वायु उसकी उच्च दशा में, जब डीओ लेवल हाई हो, राइट। तो इसीलिए बारिश का जो पानी होता है ये शुद्धतम पानी है, ये मतलब प्राकृतिक रूप से जो सबसे शुद्धतम अवस्था का जल है वो आपके बारिश का पानी है। तो जब बारिश का पानी जंगलों में पड़ता है तो जंगल के जो पौधे होते हैं उनको उनकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए आपको जंगलों में सबसे स्वस्थ पेड़ पौधे मिलते हैं, राइट। सो बारिश और जंगलों से ये हमको सीखने की आवश्यकता है। और यदि ये हमने सीख लिया कि हम जो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राकृतिक और शुद्ध रूप का जल हो, तो हमारी खेती में उसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम बान अदम चाकरी कुकुर निंदा, यानी कि अगर व्यवसाय करने के लिए मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कुछ है तो वो है खेती का व्यवसाय। क्यों? क्योंकि खेती में ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो प्रकृति का स्वयं का है, हमें सिर्फ प्रकृति के सपोर्ट में खड़े भर हो जाना है, ना कि हमने प्रकृति का दोहन करना। तो जैसे आपका अपनी फसलों से जुड़ाव है कि जब आप खेत में जाते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरी फसल अब पानी मांग रही है, राइट। क्यों? क्योंकि एक वो इमोशनल जुड़ाव है। वही जुड़ाव हमारा मिट्टी, पानी और हवा से भी होना आवश्यक है। वो यदि होगा तो बहुत कुछ रिपल इफेक्ट हमको एक एक तरह का हम माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर लेते हैं अपने खेतों में, और उसकी वजह से खेती में कभी नुकसान नहीं होता, राइट। तो हमें ख्याल रखना है कि मिट्टी, पानी और हवा यदि स्वस्थ हैं तो हमारे न सिर्फ हमारी फसल स्वस्थ होगी बल्कि हमारे गैया, हमारे भैंस, हमारे जलाशय सभी स्वस्थ होंगे, और वही स्वास्थ्य जो है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करता है, राइट। अब आप किसी भी वाणिज्य व्यापार में, अब ये जो कहावत है इसको मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वाणिज्य व्यापार में आप कभी भी बात करेंगे, चाहे आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक किसी भी व्यवसाय की बात करें, तो आप बहुत सारे रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स को ला के जोड़ के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते, राइट। और खेती में हम एक बीज लगाते हैं और 1,000 बीज ले लेते हैं, एक बीज से 1,000 फिनिश प्रोडक्ट, राइट। तो कोई भी वाणिज्य व्यापार जो है वो खेती से ज्यादा उत्तम प्रकृति का तो हो नहीं सकता, राइट। अगर सीधे सीधे हम इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फिर हमारी खेती इस कंडीशन में क्यों है कि हमारे किसान जो हैं वो हमेशा सरकार की ओर सपोर्ट की तरफ ही देखते हैं कि भाई हमारी सब्सिडी कहाँ है और हमारी वो लोन कहाँ है और हमें कर्जा माफी चाहिए। और अभी ये जो भाई लोग जो आंदोलन पे बैठे थे पीछे, पंजाब के किसान, उनकी मांग क्या थी? MSP, राइट। अभी कभी आपने सोचा किसान जो है वो एक इकलौता ऐसा प्राणी है जिसको जो सामान चाहिए अपनी खेती करने के लिए वो रिटेल में खरीद के लाता है, राइट। आप जो रिटेल की दुकान है वहां से जाके अपना उर्वरक भी लाते हैं, कीटनाशक भी लाते हैं, हर चीज जो आपके जरूरत की है वो आप रिटेल से खरीदते हैं। और अपना सामान बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? मंडी में। मतलब जो कुछ भी मैं पैदा करूं वो मैं होलसेल रेट पे बेच दूं, लेकिन मेरी जरूरत का सारा सामान मैं रिटेल से खरीदूं, यानी कि मैं खरीद रहा हूं MRP पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और मैं बेच रहा हूं कितने पे? MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके ऊपर आपने कभी गौर किया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मेरी जरूरत का सामान मैं खरीदता हूं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मैं बेच के आता हूं। क्यों है ऐसा? इसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अब जैसे आपका बेटा या बेटी, जो भी बच्चे आपके घर में, वो जब पढ़ रहे होते हैं तो उनकी फीस भी माँ बाप देते हैं, तो फीस को कैसे खर्च करना है वो इंस्ट्रक्शन भी माँ बाप ही देते हैं कि भाई अभी तुमको महीने का तुम्हारी जेब खर्ची के लिए 10 रुपये मिलेगा या 20 रुपये मिलेगा या 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। और इसमें सारा पैसा टॉफी में मत खर्च कर देना, चॉकलेट में मत खर्च कर देना, कभी स्कूल से कॉलेज से कुछ आते जाते खाने का मन करे तो वो भी इसी में से निकालना है तो, राइट। लेकिन जब वही बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, शहर जाता है, नौकरी करता है या कुछ करता है, तो वो माँ बाप को ये बताता है कि हाँ इतनी तनख्वाह है मेरी, लेकिन खर्च कैसे करता है? अपने हिसाब से करता है। क्यों? क्योंकि जो फंड्स देता है वही डिसाइड करता है, वही गवर्न करता है कि किस तरीके से खर्च करना, राइट। तो अगर हमारी डिपेंडेंसी सरकार पे बनी रहेगी तो सरकार ही डिफाइन करेगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। अगर ये डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो हमारे पास क्या तरीका है? हमारा तरीका बड़ा सिंपल है कि हमें अपनी खेती करने की पद्धति को बदलना। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है वो अभी आपने देखा,
राइट, क्योंकि पहली चीज आपकी इनपुट कॉस्ट कम हुई, बिकॉज आपको उर्वरक की या कीटनाशक की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज आपकी जो फ्रूटिंग है वो पहले स्टार्ट हुई, यानी कि आपके पास जो टाइम पीरियड था, जो नॉर्मली टमाटर की फसल में जो टाइम पीरियड होता है तुड़ाई करने का और बेचने का, वो बढ़ गया। राइट, आपकी उपज बढ़ गई और आपकी हार्वेस्टेड क्रॉप की जो लॉन्जिविटी है, यानी कि तोड़ने के बाद टमाटर की जो शेल्फ लाइफ है, जो नॉर्मली 3 दिन की होती थी, वो भी बढ़ के 15 दिन हो गई। राइट, तो हर हिसाब से आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर्ड है। किस तरीके से? यदि हम मिट्टी, पानी और हवा का ख्याल। राइट, अब जो बोरवेल का पानी है, अगर हम अपनी खुद की कथाओं को देखें, ये कथा, ये दृश्य आप सब लोगों को मालूम होगा। ये बाणों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और अर्जुन ने तीर चला के जमीन से पानी। राइट, अमर चित्र कथा नहीं पढ़ी होगी, महाभारत नहीं पढ़ी होगी, तो टीवी सीरियल तो आपने जरूर देखा होगा। राइट, तो यानी कि आज से 7,000 साल पहले जब महाभारत घटित हो रही थी, उस समय भी हमें मालूम था कि जमीन के नीचे पानी है, लेकिन हमने बोरवेल तो नहीं बनाए थे तब। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? 14,000 साल पहले जब रामायण घटित हो रही थी, उस समय भी हमारे पास पुष्पक विमान थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास मोटर्स नहीं थी, तो मोटर्स तो थी हमारे पास। जब हमारे पास एरोप्लेन थे तो मोटर्स भी रही होंगी। राइट, नाउ द बिग क्वेश्चन इज के हम लोगों को जब मालूम था कि जमीन के नीचे पानी है, तो हम उसको निकालते क्यों नहीं थे? क्योंकि हम प्रकृति के लिए गए सभी डिसीजंस का सम्मान करते। हमें ये पता था कि यदि जमीन के नीचे पानी है तो उसका कोई एक अलग पर्पस है। जमीन के नीचे का पानी जमीन के ऊपर के पानी के लिए, जमीन के ऊपर के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जमीन के ऊपर के उपयोग के लिए अलग प्रकार का पानी बनाया है। तो हम क्या करते थे, जब हम कुएं खोदते भी थे तो कुएं को ऊपर से हम ओपन रखते थे, जिससे सनलाइट उसमें जाए और उस पानी की क्योरिंग हो, जिससे वो सरफेस कंडीशन के लिए उपयुक्त बन जाए, तब जाके हम उसका इस्तेमाल करते थे। राइट, ये नहीं कि बोरवेल डाल दिया और पानी निकाल रहे और वही पानी जो है हम गैया को भी पिला रहे हैं, वही खेतों में भी डाल रहे हैं। राइट, जमीन के नीचे का जो पानी है उसका एक पर्पस अलग है। अभी आपने कभी ऑब्जर्व किया कि पिछले 20 साल में भूकंप के झटके कितने बढ़ गए? इनफैक्ट कल शाम को ही महाराष्ट्र में भूकंप आया 4.5 रिक्टर स्केल का। क्यों आया? पिछले 20 साल में भूकंप के झटके इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए? कभी आपने गौर किया इसके ऊपर? जब मेरे ख्याल से जब लड़कपन में था, उस समय तो कोई 8-10 साल में एक बार पता लगता था कि कोई भूकंप आया कहीं पे। अब तो हर साल में 8-10 बार पता लग जाता कि यहाँ भूकंप आया, वहां भूकंप आया। अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई अब कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर हो गई, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ऑनलाइन मीडिया है, तो हमें ज्यादा पता लगता है। ना सिर्फ हमें ज्यादा पता लगता है, बल्कि बढ़ भी गए हैं और कई गुना बढ़ गए हैं। तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि अभी जो हम भूजल का दोहन कर रहे हैं, जो हम चापाकल और बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं, जब जल शक्ति मंत्रालय पहली बार बना था 2019 में, तो जो पहली स्टेटमेंट थी ऑनरेबल मिनिस्टर की, वो ये थी कि हम 22% भूजल का दोहन कर चुके। अब ये जो जमीन के नीचे पानी था, दिस यूज टू वर्क एज अ न्यूमैटिक शॉक अब्जॉर्बर। जब जमीन में जब पानी भरा होता है, जब भूजल का भंडारण प्रॉपरली होता है, तो उसके नीचे होने वाली जो हलन चलन है वो ऊपर तक नहीं पता लगते, बिकॉज पानी जो है वो बहुत अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है। इसीलिए पिछले 20 साल में बेइंतहा दोहन जो हमने किया है, उसकी वजह से हमें झटके ज्यादा मालूम पड़ते हैं। जो धरती के अंदर जो हलन चलन है, वो ऐसा नहीं कि वो बढ़ गया है, वो उतना ही है जितना था पहले। हमने बीच का जो शॉक एब्जॉर्बर है उसको बाहर निकाल दिया और पुनर्भरण हम कर नहीं रहे। राइट, तो इसीलिए हमें ज्यादा झटके पता लगे। अब एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, आई आई होप आप लोग इससे भी रिलेट कर पाएंगे। ये आपने कभी देखा होगा कि ऋषि मुनि लोग श्राप कैसे देते थे? टीवी सीरियल में तो देखा ही होगा। राइट, वो हमेशा अपने हाथ में एक कमंडल रखते थे, वो कमंडल में हमेशा पानी रहता था। अब वो चाहे वरदान देना हो चाहे श्राप देना हो, वो पानी हाथ में लेते थे, उसमें कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते थे और सामने वाले भी फेंक देते थे, जहाँ तेरे को वरदान दिया या जहाँ तेरे को श्राप दिया। ऐसा ही प्रोसेस क्यों था? ये अभी मॉडर्न रिसर्च में भी ये चीज स्थापित हुई है कि पानी की एक मेमोरी होती है, पानी सब चीजें याद रखता है। मतलब बच्चों का, अगर आपने कार्टून भी देखा हो, तो अभी एक रिसेंटली कोई कार्टून मूवी आई थी, उसका भी थीम यही था कि पानी सब चीजें याद रखता है।
और ये चीज साइंटिफिकली भी प्रूव हुई है। अभी फ्रांस के नोबेल प्राइज विनिंग एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर लुक मोंतिये, उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कैमरा के ऊपर ही कंडक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि पानी की मेमोरी होती है, पानी कम्युनिकेट कर सकता है। तो जल की ये सभी जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया था भारत में। हमने वैदिक सृजन में उसी रिसर्च को दोबारा से ढूंढा है, और हम इसीलिए मिट्टी, पानी और हवा के ऊपर काम करते हैं, इसलिए हम जल के ऊपर काम करते हैं। और बिना जल के तो आपको मालूम है, अगर हवा में नमी नहीं होगी तो हम कोई भी जो टेरेस्ट्रियल प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कोई भी सांस नहीं ले सकता यदि हवा में नमी ना हो। और यदि जमीन में नमी ना हो तो एक भी जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा, सीड जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर सॉइल में मॉइस्चर ना हो। जो सुखाड़ जो पड़ता है, सूखा जो पड़ जाता है, उसका कारण क्या है? जमीन से नमी का गायब हो जाना, राइट? तो पानी हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जलाशय में पानी हो, चाहे वो मृदा की नमी हो, चाहे वो वायु की नमी हो, पानी हर जगह इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से जीवन का सतत निर्माण चलता है। तो यदि हमको खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन कुछ भी करना है, तो हमें जल को समझना बहुत जरूरी है, हमें मृदा को, मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है, हमें वायु को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी के सभी उपक्रम जो है वो इन्हीं पर डिपेंडेंट है। जैसे वो बड़े बुजुर्ग कहते होंगे, आपने गांव में सुना भी होगा, पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर, राइट? तो ये पंच महाभूत क्या है? पंच में से तीन यही है, मिट्टी, पानी और हवा, फिर अग्नि तत्व है, फिर आकाश तत्व, राइट? आकाश मतलब कॉस्मिक एनर्जी जो इस प्लेनेट के बाहर से आ रही, तो वो आपका आकाशीय तत्व हो गया। और जो अग्नि तत्व है वो है बेसिकली जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की अग्नि। तो इसके ऊपर हमारे भारत में बहुत रिसर्च हुई, और इसीलिए हम एक ऐसी इन्वेंशन कर पाए जिसको हम खेती बोलते हैं आज की डेट में, जो भारत से पूरे विश्व में फैली। और वो खेती भी हम सतत साल में चार फसलें पिछले 25,000 साल से लगातार लेते आए, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, इसके ऊपर बहुत हमने ज्ञान अर्जन किया, इसलिए हम प्रकृति के चक्र को समझ सके। और हमने जो भी डेवलपमेंट प्लान किया, दैट वॉज इन एब्सोल्यूट हार्मनी विथ नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब प्रकृति के सानिध्य में विकास, ये हमने 25,000 साल में किया। जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश इन्वेजन से पहले, मतलब 1700 ईस्वी से पहले, भारत जो ग्लोबल जीडीपी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का 35% भारत में था। और इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ था उससे पहले, मतलब आज से करीबन ऑलमोस्ट 1000-1200 साल पहले, भारत का ग्लोबल जीडीपी में जो परसेंटेज था, दैट वाज ऑलमोस्ट 70+%। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिशर्स और अमेरिकन जो ऑथर्स हैं उनका कहना। तो उसका कारण क्या था? हम इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहे थे, हम इतनी विकसित अर्थव्यवस्था कैसे थे? उसका कारण सिर्फ एक था कि हमने प्रकृति को मूल से समझा, और जो भी हमने विकास की योजना बनाई वो प्रकृति के सानिध्य में थी। तो अगर हम प्रकृति को समझेंगे, यानी कि मिट्टी, पानी और हवा को समझेंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रकृति जन्य उद्योग हैं, जैसे खेती है, पशुपालन है या मत्स्य पालन है, उसके अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने अक्रॉस द कंट्री किए हैं। ये आपके सामने जो है, ये मैनाठेर तालाब है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, जो मैम ने कहा भी कि हमें प्रोजेक्ट मिला था। और ये प्री ट्रीटमेंट कंडीशन आप देख लीजिए, ये बेसिकली डंप यार्ड था, सारा सॉलिड वेस्ट यहाँ पे लाके डंप कर दिया जाता था। और जब हमने इस जलाशय को रिस्टोर किया, तो आप देखिए आसपास कितनी हरियाली है, तो आसपास के सभी खेत हरे हो गए और सबकी फसलों में इम्पैक्ट पड़ा। अब पिछला सेशन जो था हमारा, वो मिर्ची की कहानी मैंने उसमें बताई थी, इस बार हमने टमाटर की बताई है। ये आगे कुछ और कहानियां हैं जो आगे वाले सेशंस में आएंगी। हमने मतलब यहाँ तक किया है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको भी हमने ट्रीट करके उससे जब खेती की, क्योंकि इंडस्ट्री में तो वेस्ट वाटर निकलेगा ही, लगातार निकल ही रहा है, और उसका उनके पास कोई उपयोग है नहीं, तो हमने जब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसको यूजेबल बनाया, तो उससे बेटर सस्टेनेबिलिटी ऑप्शन आज के डेट में तो और कोई भी नहीं है।
क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो हो गई परमानेंट, और जो खेती है वो क्योंकि मौसम पे डिपेंडेंट है, मौसम की मार झेलते हैं। तो कभी आप इसके बारे में सोच के देखिए कि अगर हम पूरी तरीके से मौसम पर ही आश्रित होते तो आप सोचिए कि खेती जो है वो उत्तम व्यवसाय तो कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि आपके पास पांच कंडीशन है: बारिश कम हो, बारिश ज्यादा हो, समय से पहले हो या समय के बाद हो, या सब कुछ ठीक रहे। पांच कंडीशन, और पांच में से सिर्फ एक ही कंडीशन पे अगर आदमी जीतेगा तो 80% टाइम तो हारा ही ना, सिर्फ 20% टाइम ही जीता, यानी कि 5 साल में एक बार फसल होगी। क्या ये संभव है? 25,000 साल से हम लगातार खेती कैसे कर सकते हैं अगर हमारा सक्सेस रेट सिर्फ 20% हो? यानी कि हमने कोई ना कोई ऐसी विधि इजाद की थी कि बारिश कम हो या ज्यादा हो, समय से पहले हो या समय के बाद में हो, या सब कुछ ठीक हो, हमारी फसलों पे कोई असर ना पड़े। तो वो जो पद्धति थी उसी पद्धति की हम आज चर्चा कर रहे थे, वही हमने आपको बताया कि बारिश कम हो या ज्यादा हो, वो टिड्डी का अटैक हो या कोई बीमारी फैले, फसल हमारी सुदृढ़ खड़ी रहे, फसल में हमारा कोई नुकसान ना। तो अब उसको करने के लिए हम कान घुमा के पकड़ने के बहुत सारे तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी तो चली रही है ना, लेकिन क्या उससे किसान की प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर होती है? नहीं होती। तो इसीलिए अगर हम अपनी खेती की पद्धति में सुधार कर लें तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो मुनाफा है, वो कभी भी टल नहीं सकता। ये कुछ हमें अवार्ड्स मिले हैं पिछले कुछ सालों में, मतलब हमें 4 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने अवार्ड दिया है, और अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, जैसे CII नेशनल वाटर अवार्ड मिला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, उसने हमको अवार्ड दिया है। उत्तर प्रदेश के बेस्ट इन्वायरमेंटल स्टार्टअप हैं हम, जो 2023 में हमको अवार्ड मिला। ESG एनेबलर ऑफ द ईयर अवार्ड हमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दिया। RC मिश्रा नेचर केयर अवार्ड जो है, ये बेसिकली सिविल सोसाइटी का अवार्ड है, ये पब्लिक का अवार्ड है, और ग्लोबल अवार्ड मेरे पास स्मार्ट वाटर मैगजीन स्पेन है, उसके अपने ऑडियंस के सर्वे के हिसाब से हम ग्लोबली टॉप 3 रैंकिंग में आते हैं। और टेड जो है वो US की है, उसने हमें अवार्ड दिया है आइडिया वर्थ स्प्रेडिंग। तो अभी हम वही अपना ही आइडिया स्प्रेड कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि खेती में किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये मेरा नाम, मेरा मेल आईडी, मेरा फोन नंबर सब कुछ है। अब आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू मधुकर जी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन सुना है इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। या आपको क्या समझ में आया इस प्रेजेंटेशन से, आप क्या सर से जानकारी और इनसे जानकारी चाहते हैं, कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आप अपना रख सकते हैं। देशराज जी, आप पे कोई सवाल है? क्योंकि कृषि में पानी की तो जरूरत पड़नी पड़नी है। अब उस पानी से कैसे हम लागत, कृषि की लागत को कैसे कम करें, वो एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रखिए। बलवीर जी, आपका कोई सवाल है? आपको कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है आपको? आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा समझ में आया। पिछले सेशन में भी जुड़े थे, इस बार भी जुड़े हैं सर। ओके, पिछली बार भी जुड़े थे आप। जी सर, तो बलबीर जी इसमें आपको क्या समझ में आया जो आज इन्होंने मधुकर जी ने बताया है कि जो पानी के संबंधित जितनी भी जानकारी इन्होंने दी है कि कृषि में कैसे हम उसका इस्तेमाल करें और कैसे उसकी उपज को बढ़ाएं, तो आपको क्या लगता है कि आप इसको कैसे अपनी खेती में यूज कर सकते हैं, कृषि में यूज कर सकते हैं? इसमें मैम थोड़ा बहुत यूज भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में तालाब है उसमें बारिश का पानी भर जाता है, तो उसी बारिश का पानी से ही हम लोग ज्यादातर सिंचाई करते हैं। जहाँ पे जो इतने एरिया में है, यहाँ पे हमारे यहाँ रामगंगा थी तो वो रामगंगा छोड़ के चली गई वहां से, लेकिन वहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। मैम वो पानी हम सिंचाई में यूज करते हैं, उससे बहुत बेनिफिट, एक तो ये होता है कि हमें खाद उसमें ना के बराबर लगानी पड़ती है, अच्छा यूरिया वगैरह नहीं डालनी पड़ती है, और उसी से सिंचाई करते हैं तो एकदम फसल हरी भरी है और एकदम से भाग खड़ी हो। तो मतलब मैंने जो कुछ भी बताया वो सब आपने एक्सपीरियंस किया है खुद से? जी सर, बट आजकल तो ये देखा जा रहा है कि गांव वगैरह में तो जो तालाब है उनकी संख्या मतलब ना के बराबर ही होती जा रही, वो एक जी कूड़े का ढेर बन चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। तो
आपका इसमें क्या कहना है मधुकर जी की, क्योंकि हम लोग तो जो देख रहे हैं कि जो तालाब पहले पुराने कई टाइम से चले अब खुले हुए थे वो सब डंप होते जा रहे हैं कूड़े के ढेर, तो गवर्नमेंट उसपे क्या कुछ इनिशिएटिव ले रही है? गवर्नमेंट कैसे इसमें गांव के लोगों को हेल्प करेगी उन वापस उनको रिजनेट करने में, वापस ठीक करने में? मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अर्बन का है, और दूसरा है मिशन अमृत सरोवर जो कि रूरल का है। तो जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था अभी प्रेजेंटेशन के दौरान मुरादाबाद का, तो मुरादाबाद में इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स पे जो भी वाटर बॉडीज थी जो कि आज की डेट में डंप यार्ड में परिवर्तित हो गई थी, उन्हीं वाटर बॉडीज को रिस्टोर करने का प्रोजेक्ट वो था। और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने कोई 7 वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया, और उसकी वजह से आसपास के जो भी किसान भाई थे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। और अभी उसमें उन्होंने कोई 3-4 वाटर बॉडीज और ऐड कर दी हैं, तो धीरे धीरे वो सब रेस्टोरेशन हो रहा है, और मुरादाबाद में आसपास में जो भी किसान लोग हैं उनको तो काफ़ी बेनिफिट नज़र आ रहा है उस प्रोजेक्ट से। तो सरकार का जैसे फोकस ये जी, है, सरकार जैसे अलग ये अलग पॉन्ड्स जो हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये डंप होती जा रही है, सपोज अगर मान लीजिए कोई गांव है में किसान लोग हैं, अगर उसको वापस उसको दोबारा से उसको चाहते हैं कि वो एक उसको उसका यूज कर सके दोबारा से, वो वैसे ही सुचारू रूप से काम करे, वो इसमें पानी आए वही सारी चीजें आए, तो वो कहाँ करे कॉन्टेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट किससे बात करे वो, क्योंकि वो उसको वापस ग्राम रिफॉर्म पंचायत करने के है, लिए? गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत है, 15वें वित्त आयोग का पैसा उनके पास आया हुआ है, फंडिंग उनके पास है, मैंडेट उनके पास है। मिशन अमृत सरोवर में जो आपका डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 वाटर बॉडीज होनी चाहिए, और ये कम से कम है, तो अच्छा 75 बनाने का मैंडेट तो सरकार ने दिया हुआ है। अब वो चाहे तो 75 के 150 बना लें, उनके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनरेगा से पैसा आ रहा है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है भारत सरकार की, तो उसमें भी तालाब खोदने जा रहे हैं। तो साम काम तो हर जगह हो रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है कि अगर कहीं पे किसी चीज का अभाव है तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी स्कीम्स उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है कि अगर वहां पे किसी जलाशय की आवश्यकता है वो बनाया जाए, और सुविधा जो है वो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर के डीएम तक एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ ऑल दिस। जी, तो जैसे कि भाई आप लोग जो जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे जो भी ये तालाब है और वो सुचारू रूप से नहीं है कार्य, डंप एक कूड़े के उसमें फॉर्म हो चुके हैं, तो आप लोग जिला स्तर पे या पंचायत स्तर पे जाके आप उनसे बात करिए, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे आप उनको, क्योंकि अगर आप जब तक बताएंगे नहीं चीजें खुद से नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उतना ही करेंगे जितना उनकी नॉलेज में होगा, अगर आप बताएंगे चीजों को तो डेफिनेटली वो काम होगा भी आगे। सभी को नमस्कार। जी ब्रह्मपाल जी हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम। मैम जी ये भूमि संरक्षण से भी तो तालाब खोद जाते हैं जी, भूमि संरक्षण से, मधुकर जी बताइए उसका। भूमि संरक्षण विभाग जो है वो भी मनरेगा के अंतर्गत तालाब खुदवाता है, और जो प्लांटेशन होता है वो आपका वन विभाग करता है आसपास में, जिससे कि जड़ों की जो पकड़ है वो मिट्टी पे बनी रहे और सॉइल इरोजन ना हो। जी सर, हमारे यहाँ तो मैं बिजनौर से हूँ, जी, आप जो ब्रह्मपाल जी पिछली बार भी शायद जुड़े थे 16 तारीख जी को। जी 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 सर जी सर, जैसे प्राकृतिक पहले वो होते थे पानी के नाले, वो जी तो बिल्कुल प्रदूषित हो गए, इधर जो पेपर मिल लगे उनका गंदा पानी आने लगा और नीचे की लेयर बहुत सख्त हो गई, तो वो तो खराब हो गया बिल्कुल मामला, जो पानी का लेवल था वो प्रदूषित हो गया, राइट सुनने का कोई तैयार नहीं, मतलब कुछ ज्यादा लिखते पढ़ते हैं तो बस जांच आ जाती है और वो अपना जो सिस्टम है वो दिखा दें कि हमने पानी शोधन करने का यंत्र लगा रखा, एक दो दिन चलाया और बंद कर दें। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। देखिए, इंडस्ट्री वालों को तो जो पर्यावरण है उससे कोई लेन देना है नहीं, क्योंकि उनके पास तो सर्टिफिकेट है कि भाई मेरा जो पानी है वो तो शुद्ध गंगा जल है, तो उनकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कागजों में बहुत स्ट्रांग है, राइट। लेकिन जो जलाशय हैं वो तो इंडस्ट्री के नहीं है ना,
जलाशय तो उनके हैं जिनके आसपास उनकी जमीन है या उनके घर है। तो देखिए, जब पानी खराब होता है, जब पानी सड़ने लगता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री देख के बीमारी फैलाएगा, वो बीमारी उस पूरे एरिया में फैलेगी। रुका हुआ पानी, सड़ता हुआ पानी बीमारियों का घर होता है, उससे वाटर बोन डिजीजेस भी फैलेंगी, वेक्टर बोन डिजीजेस भी फैलेंगी और एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो यदि हमको अपना, अपनी फसलों का, अपने मवेशियों का, सबका ख्याल रखना है, तो हमें अपने आसपास जो भी जलाशय हैं उनको स्वस्थ अवस्था में रखना आवश्यक। वो स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए अगर आप इंडस्ट्री पे डिपेंड करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो उसके पास ये मैंडेट है, वो सरकार ने उसको ये निर्देशित किया है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी जलाशय हैं उनको स्वस्थ रखना आपका दायित्व है। यदि आपके आसपास कोई भी जलाशय है जो कि बीमारी का घर बन रहा है, जिसमें पानी सड़ रहा है, जहां बदबू आती है, मच्छर फैल रहे हैं, उसको आप रिपोर्ट कीजिए अपने ग्राम पंचायत से, आप उसको रिपोर्ट कीजिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, और उनका काम है उसको ठीक करना। और यदि वो नहीं करते हैं तो ये डीएम के परव्यू में आता है कि जो मिशन अमृत सरोवर है उसके अंतर्गत उस जिले में जितने भी जलाशय हैं उन सबको शोधित किया जाए और उनको स्वस्थ रूप में रखा जाए। और इसके लिए आपको कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। जो मिशन अमृत सरोवर की जो गाइडलाइन जो भारत सरकार ने इशू की है, जो हर डीएम के ऑफिस में है, वो ये कहती है कि यदि कोई भी जलाशय आपके ज्यूरिसडिक्शन में, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसका जो पानी है वो कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन योग्य होना चाहिए, कोई लैब रिपोर्ट नहीं चाहिए। यदि जलाशय का पानी गैया पिएगी या भैंस पिएगी तो ही उस पानी को शुद्ध माना जाएगा, लैब रिपोर्ट दिखा के फाइल बनाने का जमाना खत्म हो गया। तो ये चीजें तो मतलब आम जन में जागरूकता की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार ने ये सारी योजनाएं उस हिसाब से बनाई है, पैसे की फंडिंग उस हिसाब से आ रही है। अब इनकैश करना तो भाई प्रजातंत्र में प्रजा का ही काम है ना। जी सर, मधुकर जी, ये कही कि जैसे हम नॉर्मल जैसे खेती में किसी भी क्रॉप में अगर हम पानी देते हैं, तो जैसे एक तो ये आपने बताया कॉन्सेप्ट इसका अमृत सरोवर वाला, जो आजकल गवर्नमेंट जिस पे काम भी कर रही है, या जो ट्यूबवेल के माध्यम से जो नॉर्मल पानी जाता है, तो उसमें कृषि पे कितना परसेंटेज पे कितना इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रोडक्टिविटी कितनी परसेंटेज बढ़ जाती है उससे, ये अगर अमृत सरोवर मिशन जो इनका चल रहा है, जो पॉन्ड के हिसाब से। मैम, अभी जो मैंने आपको टमाटर की जो केस स्टडी बताई, या पिछली बार जो हमने जो मिर्ची की केस स्टडी बताई थी, दोनों केसेस में हमने क्या किया था कि जो भी खेत में लगे हुए बोरवेल थे वो बोरवेल को हमने डाइवर्ट कर दिया था तालाब में, और तालाब के पानी को हमने ट्रीट किया था, बिकॉज बोरवेल का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर है और वो उस कंडीशन में नहीं होता कि वो डायरेक्टली खेती में इस्तेमाल किया जाए। तो बोरवेल का सारा, जितने भी बोरवेल थे उन सबको डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स तालाब, और तालाब के पानी को हमने ट्रीट किया। फिर उस पानी का इस्तेमाल, जैसा मैंने बताया कि फॉलियर स्प्रे ऑन द लीव्स, पत्तों पे सिर्फ छिड़काव करना है, फ्लडिंग और ड्रेंचिंग नहीं करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब ये बताते हैं कि पानी भर दो खेतों में। वो पानी भरने से क्या होता है कि जड़ों को जरूरत से ज्यादा पानी मिलता है, और उसके बाद फिर जो फसल की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और हम जिस प्रोसेस में अब यूज करते हैं वो ये है कि पत्तों पे सिर्फ छिड़काव करना है, और पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम करना है, वो है सूर्योदय के टाइम। इसमें क्या होता है, आपका 90% पानी बच जाता है। अगर आप फॉलियर स्प्रे ऑन द लीव्स कर रहे हैं या आप ड्रिप एरुगेशन कर रहे हैं, जो आपके टपक सिंचाई का जो विधि है, जिसके लिए सरकार से सब्सिडी भी मिलती है वेंचुरी सिस्टम लगाने के लिए, तो अगर इन माध्यमों का उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए, तो आपकी 90% जल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, और आपको उपज में फिर उतना ही फायदा मिलता है, जैसे मैंने आपको दोनों केसेस में बताया, मिर्ची में भी और टमाटर में भी। अब जो अगला सेशन होगा उसमें किसी और फसल के बारे में बात करेंगे कि क्या जी इम्पैक्ट। जी मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में मैं
आपको क्वांटिफाई करके बता सकूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या इम्पैक्ट पड़ा कि प्रोसेस को जब यूज नहीं करते थे वर्सेस इस प्रोसेस को जब यूज करने लगे तो इम्पैक्ट कितना पड़ा, मतलब उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे अगली जी क्वेश्चन। बिल्कुल। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है? किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज की इस कार्यशाला को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंबेडकर नगर से अतुल सिंह राठौर जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देशराज सिंह, कोई प्रश्न? नमस्ते। नहीं नहीं मैम, ठीक, नमस्ते मैम। अच्छा, ये जितने भी लोग आप लोग जुड़े हैं तो अपना इस पे चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दीजिएगा और FPO का नाम भी। तो आई थिंक अब आगे और बाद में भी आता है आपके दिमाग में और आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना फोन नंबर और FPO का नाम जो है चैट बॉक्स में टाइप करके छोड़ दीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसके अंदर मैम आपको जोड़ देंगी, तो आप अपना प्रश्न बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक किसी का भी और कोई प्रश्न नहीं है तो मे बी सब कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, क्योंकि अभी किसी के दिमाग में नहीं आ रही होगी कोई चीजें। जब वो प्रैक्टिकली वो चीजें होती है तो शायद तब वो आपसे कांटेक्ट करेंगी, तब वो याद करें मधुकर जी को कि उन्होंने कुछ बताया या तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी हुई या तो बहुत ही बेकार हुई था। क्योंकि तो या तो नहीं सबको सब नहीं कुछ समझ में आ गया या एक्चुअली ये किसी के कोई थोड़ा समझ सा में नहीं। नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल हमने बात करी थी ऑर्गेनिक खेती पे, नेचुरल फार्मिंग पे करते हैं हम, या कृषि में आय से संबंधित कैसे लाभ बढ़ाई जाए आय, तो उसमें लोग वो का था, बट ये एक अलग चीज है। पर क्योंकि ये फर्स्ट सेशन रहा है तो धीरे धीरे लोगों को समझेंगे तो प्रश्न भी आएंगे डेफिनेटली कि ये पानी से कैसे कृषि पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये एक अलग चीज है। तो क्योंकि होता क्या है कि जनरली इतने खेत होते हैं, अपना बोरवेल चला दिया उसमें पानी भर गया तो काम खत्म, वो कई बार ओवरफ्लो भी हो जाता है तो दूसरे के खेत में निकल जाती हैं चीजें। तो मेन है कि पानी जाना चाहिए, वो कैसे ही जाए। मेन कॉन्सेप्ट आजकल जो कृषि में जो लोगों जो काफी टाइम से चलाते आ रहे, करते आ रहे, यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, बट नई चीजें हैं तो थोड़ा टाइम भी लगेगा किसानों को उसको अडॉप्ट करने में, बट डेफिनेटली करेंगे जरूर, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि कोई भी एक सेशन भी मिस नहीं करते हैं और क्वेश्चंस भी काफी पुटअप करते हैं। तो फिर हम आज क्लोज करते हैं। थैंक यू मधुकर जी, और बाकी कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, और सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।